चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 रन से हराकर अपना दूसरा होम गेम जीत लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप क्रिक स्टार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत माड़ी रही, 27 रन पे 3 विकेट एक समय पर गवा चुका था चेन्नई सुपर किंग्स। उसके बाद सुरेश रैना और एमएस धोनी के बीच चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई 53 गेंदों में। उसके बाद धोनी और ब्रावो के बीच 56 रन की साझेदारी हुई 29 गेंदों में पाँचवें विकेट के लिए। एमएस धोनी ने नाबाद 75 रन की पारी खेली 46 गेंदों में, 4 चौके 4 चौकों की मदद से। जोफ्रा आर्चर ने कमाल की गेंदबाजी की राजस्थान रॉयल्स की ओर से, 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए जिसमें एक मैडन ओवर भी शामिल था। और जवाब में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत भी माड़ी रही। राजस्थान रॉयल्स के लगातार विकेट्स गिरते रहे। राहुल त्रिपाठी ने 39 रन की पारी खेली 24 गेंदों में, 5 चौके और 1 छक्कों की मदद से। बेन स्टोक्स ने 46 रन की पारी खेली 26 गेंदों में, 1 चौका और 3 छक्कों की मदद से। दीपक चाहर ने कमाल की गेंदबाजी की, 4 ओवर 1 मैडन 19 रन और 2 विकेट। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।